मैं भी मेरी शादी में जरूर ऐसे ही मेकअप करने वाली हूँ। और हम लोग के पास और एक यूट्यूबर है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूँ एनी और आज सुबह सुबह ही मैंने मेखला चादर पहना है। ये हम लोग का असम का ट्रेडिशन ड्रेस है, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड काकोली का शादी है, वहीं पे हम लोग जाएंगे और हम लोग के घर पे दीपा भी आ गई है। एक्चुअली गाइस, हम लोग यहाँ से मेकअप करके नहीं जाएंगे, वहीं पर करेंगे। मैंने तो ड्रेस भी पहन लिया है, बट जया और दीपा जो है वो टॉप्स और जीन पहन के जा रहे हैं, वहीं पर हम लोग ड्रेस भी चेंज कर लेंगे। सो गाइस, आशा करती हूँ वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग ऑलमोस्ट मंगलदय पहुंच गए हैं गांव के अंदर, और ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट में हम लोग शादी के घर में पहुंच जाएंगे। फिर रेडी होंगे हम लोग सब। 3 घंटा जर्नी करने के बाद हम लोग शादी के मंडप पे पहुंच गए हैं। अभी हम लोग पहले रेडी हो लेते हैं। थैंक्स टू काकोली, काकोली ने हम लोग को एक रूम भी दिया है रेडी होने के लिए। गाइस, हम लोग ने रेडी, हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग शादी में जाएंगे, क्योंकि गुवाहाटी से मंगलदय काफ़ी दूर है, इसीलिए हम लोग रेडी करके नहीं आए थे। और अभी हम लोग यहाँ पे मेकअप कर लिया, ईयरिंग। हम लोग पहुंच गए हैं और ये है काकोली। ब्यूटीफुल लग रही है ना दीपा? और काकोली का मेकअप देखिए गाइस, मैं भी मेरी शादी में जरूर ऐसे ही मेकअप करने वाली हूँ। क्यों दीपा, तुम झूठ बोल रही है? देखिए बाबा, अलग लगी टोटली। चलो काकोली का क्लोजअप दिखाती हूँ। और हम लोग के पास और एक यूट्यूबर है, हाय सिंपी देखा। चैनल का नाम भी क्या असल है? सिंपी देखा। सिंपी देखा, इसका नाम, इसका चैनल का नाम भी सिंपी देखा है। आप लोग भी जरूर वॉच कीजिएगा। और हम लोग का जो ये ब्राइड है, ब्राइड का भी एक नया चैनल है, वो अभी डाउन में है। कुछ दिन के बाद जरूर बनाएगा। नाम बताओ। इन्फो विद असमिस गर्ल। सो गाइस, इसका भी चैनल काफी अच्छा है और आप लोग भी जरूर देखिएगा। इन्फो विद असमिस गर्ल एंड सिंपी देखा। बाहर में फोटो खींच के वीडियो बना के बोर हो गए थे गाइस, इसलिए हम लोग बैठे हैं इधर। गाना बज रहा है गाइस, नाचने का मन कर रहा है क्या? यार थोड़ा नाच के दिखाओ। मैं लेकिन ये सब अपने वीडियो में डालूंगी। सो गाइस, हम लोग ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोग गुवाहाटी जाना भी पड़ेगा, काफी दूर है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मेरा ये इयररिंग और ये मेरा पैंडल अच्छा लग रहा है कि नहीं। ये एक्चुअली एस्मिस ज्वेलरी है और मैंने जो ड्रेस पहना है ये एस्मिस का ट्रेडिशनल लुक है, और जया ने भी पहना है, और दीपा ने क्या पहना है मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है। ये क्या पहन है मतलब पता नहीं चल रहा है। अगर आप लोग को पता है तो दीपा ने जो ड्रेस पहना है जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरा वाला मैंने बता दिया है, यह एस्मिस ट्रेडिशन ड्रेस है, मेखला चादर बोलते हैं इसको। और जया ने भी जो भी पहना है ये भी मेखला चादर है, ट्रेडिशन है, लेकिन इसका पता नहीं। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि दीपा ने क्या पहना है ये।
हम लोग काकोली को मिल के अभी हम लोग गुवाहाटी को रिटर्न जाएंगे, क्योंकि काफी दूर भी है और टाइम में घर भी पहुंचना पड़ेगा। कितना बजे जाया? 7:29। हम लोग काफी थक गए हैं और गुवाहाटी पहुंचने में थोड़ा टाइम है, इसलिए हम लोग एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट में आया है। यहाँ पे अगर हो सके तो हम लोग चाय वाय पी लेंगे। हम लोग ने यहाँ पे चाय वाय पी लिया है और अभी हम लोग को रात का डिनर का भी प्रबंध करना है, क्योंकि घर जाके खाना बनाना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग जाएंगे अमृतसर ढाबा, जो काफ़ी फेमस है। वो बाई हाथा चरियाली अमीन गांव में है, जो काफ़ी टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं। और ये है अमृतसर पंजाबी ढाबा, देखने में थोड़ा ऐसा है लेकिन यहाँ पे खाना काफ़ी बढ़िया है गाइस, आप लोग भी ज़रूर आइएगा। और पहाड़ से कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देखिए, लेकिन काफी छोटा बांस से बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी दिखेंगे, क्योंकि ये जो होटल है काफी, मतलब पीछे में देखिए बड़ा सा बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन आगे में वो लोग ऐसा दिखाते हैं शायद, मुझे नहीं पता। इस होटल का नाम है अमृतसर पंजाब ढाबा। सो हम लोग इधर ही आए हैं और ये है देखिए इसका यहाँ पे नाम लिखा है, और ये रास्ते की साइड में ही है, आप लोग भी ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे खाना काफ़ी बढ़िया होता है, पूरा प्योर पंजाब का जो खाना है आप लोग यहाँ पे महसूस करेंगे। पंजाब का जो वो टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पे खाने को मिलेंगे। सो ज़रूर आप लोग आइए। और गाइस ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने खुद यहाँ का खाना पहले खाया था, इसलिए मैंने आप लोग को भी बोला है, आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। बाहर से होटल थोड़ा छोटा दिखता है, बट यहाँ का खाना जो है गाइस रियली वेरी टेस्टी है। और थैंक यू सो मच इतना देर वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।